नमस्ते, प्रणाम। अहाँ सब नीक हैब? एहि समय कोरोना चलि रहल अछि, एहि खातिर अहाँ सबके लेल कुछ हम योगा के प्रोग्राम लए कऽ आयल छी। हमर नाम अछि नरेंद्र प्रसाद निराला। हम देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार से योग में मास्टर कयने छौं। ओहिसँ पहले हम जे छै मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योग से सर्टिफिकेट कोर्स करने छौं। हमरा पास जे ज्ञान छै ओहि ज्ञान के हम मैथिली में अहाँ सबके प्रस्तुत कर रहल छी। हम आइ बात करब कॉन्स्टिपेशन पर। कॉन्स्टिपेशन के मतलब जे छै होइ छै कब्ज। जेना अहाँ सुबह में जाइ छियै टॉयलेट लेल तऽ अहाँ के मोशन क्लियर नहि होइ छै, ओहि खातिर जे छै तीन आसन छै जे सब आदमी के करय के चाही। ई आसन के करला से व्यक्ति के न ते सर में दर्द रहै छै, पेट के दर्द नहि रहै छै, भूख बढ़िया से लगै छै, गैस नहि बनै छै। एहि तरह से बहुत सारा जे प्रॉब्लम छै, जेना साइटिका के कारण भी जे छै कब्ज के कारण से होइ छै। जेना अहाँ सब जानै छियै कि जैसन खाए अन्न तैसन बने मन, जैसन पिए पानी वैसन बने वाणी। तऽ एहि खातिर जे छै हमर जे खाना छै ओहि खाना के जे खेलियै हँ ओकरा सही से केना पचै आओर जे पचि गेलै हँ ओ केना मल बाहर निकलै, ओहि खातिर जे छै तीन आसन छै। ओहि आसन के लेल जे छै हम अहाँके अभी प्रस्तुत करके देखायब। ओकरा अहाँके प्रतिदिन अहाँ यदि करै छियै तऽ अहाँके बहुत लाभ होत। अपना सबके मालूम छै जे अपन घर के बुजुर्ग लोग छथिन से राति मे पानि पिए छलखिन, केना राति के पानि रख के भिनसर मे पानि पिए छलखिन। ओहि खातिर पानि के रखला के बाद गरम करला के बाद ओहि मे कनी नमक दऽ के, या फिर जिनका बीपी हाई रहै छै ओ नमक नहि डालथिन, ओनाहिते पानि पीथिन। एहि ओकरो आसन मे बैठ के पानि पिए के छै। अन्ना जाके पानि पीला के बाद जे छै कौआ संचालन करै छै, काग संचालन अन्ना कए के चलै के होइ छै। देख लियौ जेना अन्ना कए के चलै छै, जे अहाँके घुटना यऽ जे घुटना दोसर साइड मे जाइ छै, अन्ना कए के चलै के छै अहाँके। ई जब चलि लेबै अहाँ कम से कम 20 बेर, तकर बाद अहाँके तीन आसन करै के छै। ओ आसन हम अहाँके अभी बतबै छी। सब मिलल रहै के चाही, ओकर बाद दोनों हाथ के बगल से उठबैत ऊपर दोनों हाथ के लॉक करू। लॉक करला के बाद सांस लियो। सांस लै के साथ अहाँ अपन पैर के उंगली पर आबि जाओ। पूरा ध्यान अहाँके श्वास पर, श्वास पे श्वास छोड़ित, श्वास बाहर करित अहाँ के नीचाँ चलाओ। एना अहाँके 3 से 5 बेर ई अभ्यास ही करे के छै। अहाँके कॉन्स्टिपेशन के सही करै छै, मतलब अहाँके कब्ज के दूर करै छै। 3 से 5 बार ई अभ्यास करला के बाद दुनू हाथ अहाँके ऊपरे में रहते और पैर के बीच में अहाँके कंधा लेवल के बराबर गैप रहते। एकरा कहै छिए प्रियोत्तरासन। श्वास छोड़ैत बाएं तरफ झुक जाओ, श्वास ले बीच में, फिर श्वास बाहर करे दाएं तरफ। सांस ले बीच में, सांस बाहर करे बाएं तरफ। सांस ले बीच में, फिर सांस बाहर करे दाएं तरफ। सांस ले समान स्थिति, फिर बाएं तरफ। फिर सांस लिया बीच में, फिर सांस बाहर करे दाएं तरफ। बीच में आबू। अब जे छै दोनों हाथ के नीचा कर लिया। अब जे छै अगला अभ्यास जे छै ओकरा कहै छियै कटी संचालन। दुनू हाथ सामने और सांस छोड़ैत बाएं तरफ कम लियो। अहाँके दायाँ हाथ अहाँके कमर पर, डाँर पर, और बायाँ हाथ अहाँके कंधा पर। दृष्टि जे छै अहाँके जे देखै छियै ओ अहाँके दायाँ पैर के अहाँके देखै छियै। फिर सांस लेत सामने, सांस बाहर करैत दाएं तरफ। सांस ले सामने, सांस बाहर करे बाहर करे। एक्सहेल, एक्सहेल। एक बार और ये अभ्यास दोहराइए। इन्हेल, एक्सहेल, इन्हेल, एक्सहेल। ई जे अभ्यास छै, तीन जे आसन छै, ई अहाँके कॉन्स्टिपेशन के दूर करै छै। ओहिसँ पहिले अहाँके गरम पानि पिए के यऽ। गरम पानि मे नून दए के अहाँ गरम पानि पी सकै छियै।
पीला के बाद जब ई तीन आसन करबे अहाँके जे कॉन्स्टिपेशन से दूर हेतै ओहिसे अहाँके जे निद्रा के जे समस्या से दूर हैत, सर में दर्द जे से दूर हेतै। अहाँके मालूम होय के चाही कि जे कब्ज जे छै के कारण सब बीमारी के जड़ जे छै पेट छै, ओ खातिर अहाँ जब ई आसन करबे ई दूर हो जाए। एतबे कहब, तब तक के लिए धन्यवाद, खुश रहू, मस्त रहू और आनंदित रहू।